एक रुपए का एक ऐसा कॉमोडिटी सिक्का जो सिंगल मिंट है और आज से दो तीन साल पहले मतलब 2021-2022 में प्राइस था 60 से 70 रुपए के आसपास। जानेंगे पूरे डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। उसके साथ यहां पर देख सकते हैं एक और सिक्का है एक रुपए का, ये जो यहां पर 50 सिक्का है यहां पर, ये कौन सा सिक्का है मैं आपको बताऊंगा और क्यों मैंने इतने ज़्यादा क्वांटिटी में और कितने प्राइस में लिया है और क्यों लिया है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर कुछ क्लॉक एरर सिक्के हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या वैल्यू आज की डेट में आपको मिल सकता है, और जिन्हें मालूम नहीं है क्लॉक एरर सिक्का कौन सा है तो उसके लिए भी ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साइड में जो आप देख रहे हैं थंबनेल, उस वीडियो में आपको बहुत अच्छा एक जानकारी मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को कम से कम जरूर देखिए। आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। एक रुपए का ये कॉमोडिटी सिक्का जो स्टील का है और जिसका वेट है आज की डेट में 4.85 ग्राम और डायमीटर है 25 mm, और इस सिक्के का जो थीम है वो है वीर दुर्गादास। पहले भी मैंने इस सिक्के को लेकर वीडियो बनाया था। सेंटर में देख सकते हैं आप वीर दुर्गादास जी के पोर्ट्रेट, और उसके नीचे देखिए मिंट ईयर 2003। एक सिंगल मिंट सिक्का है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हैदराबाद मिंट से इस सिक्के को इशू किया गया था। लेकिन एक रुपये का वीर दुर्गादास वाला सिक्का आपको मुंबई मिंट से भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सर्कुलेशन इशू सिक्का नहीं है। मुंबई मिंट से जो एक रुपये का वीर दुर्गादास वाला सिक्का आपको देखने को मिलता है वो है UMC सेट या फिर प्रूफ सेट का सिक्का। ध्यान रखिए UMC सेट या फिर प्रूफ सेट वो मुंबई मिंट से निकला था, लेकिन जनरल सर्कुलेशन में जो निकला था वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट से निकला था, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। इसका प्राइस पहले काफ़ी कम था, पहले शुरू में ही मैंने कहा था 2021 टू इस समय 60-70 रुपये एक एक पीस जो प्राइस था इसका। आज की डेट में प्राइस है UNC BUNC कंडीशन में लगभग 300 से 350 रुपीज के आसपास, 300 से 350 रुपये के आसपास एक एक पीस का प्राइस है। पहले था 60-70 रुपये, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज 300 से 350 रुपये। अब जो सवाल आता है वो है क्या इस प्राइस में लेना चाहिए ये सिक्का फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सिक्का लिया है, इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, लेकिन क्या ये सिक्का भी दुर्गादास वाला लेना चाहिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जो प्राइस चल रहा है 300-350 में। तो दोस्तों अगर आप मैक्सिमम प्राइस 350 में लेते हैं तो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 200-250 या फिर 300 के अंदर मिलता है ये सिक्का तो आप कलेक्ट करके एक एक करके रख सकते हैं। लेकिन इस सिक्के के बारे में मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए, लेकिन अगर आपका ये टर्म से 5-6 साल या फिर 10 साल के लिए तो फिर आप बेझिझक आराम से ले सकते हैं कोई भी इसमें। लेकिन क्योंकि दोस्तों देखिए जितना समय जाएगा ऐसे सिक्के और भी मिलना मुश्किल होगा, और हैदराबाद मिंट ये जो सिक्का है ये सर्कुलेशन में आया था, घिसा पीटा अगर मिलता है सर्कुलेशन से तो UNC में, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका UNC है, ये मेरे कलेक्शन से है। लेकिन यहाँ पर एक और सिक्का है मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक और देखिए, ये देखिए यूज्ड कंडीशन का है ये भी, इसीलिए मैंने देखिए ये यूज्ड कंडीशन है, ये सर्कुलेशन से मिला था, लेकिन ये वाला जो है ये सर्कुलेशन से अनसर्कुलेटेड है, मतलब ये JMUNC कंडीशन में है। तो ये सिक्का आप कलेक्ट कर सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक 2 रुपए का सिक्का है, ये एक क्लॉड एरर सिक्का है, बहुत इंटरेस्टिंग सिक्का है इसमें। इसे अगर आप देख रहे हैं देखिए, अगर मैं टर्न करता हूँ देखिए, ये 3 o'clock या फिर 2 और 3 के बीच में देखिए ये एरर हुआ है, और ये एक 1990 का कोलकाता मिंट का एक बिग डब्बू सिक्का है, 2 रुपए का जो बिग साइज का आता है नेशनल इंडिकेशन वाला आप देख रहे हैं, तो ये वो सिक्का है। ऐसे सिक्के आज की डेट में सर्कुलेशन में तो मिलता ही नहीं है, और उसके ऊपर अगर क्लॉक एरर है
तो दोस्तों और भी ये महंगा होता है और इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे सिक्के महंगा हो या फिर ना हो लेकिन करेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। सभी सिक्के महंगा होगा, 1,000 में 10,000 में 20,000 में बिकेगा ऐसा नहीं है। कलेक्टर्स, अगर आप कलेक्टर हैं, सिक्के कलेक्ट करना पसंद करते हैं, तो आपको ऐसे सिक्के ज़रूर पसंद आएगा। अब दोस्तों ये सेल करने के लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास ये सिक्का जो है वो एक पीस ही है और ये मेरे कलेक्शन का है, एल्बम से मैंने निकाला है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिक्का है। एक और सिक्का है यहाँ पर, देखिए 1 रुपये का ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, देखिए ये है 1 रुपये का, ये भी क्लॉक एरर है और ये आप देख रहे हैं 2 o'clock 1984 का, कोलकाता मिंट का, 1984 कोलकाता मिंट का। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ, देखिए 1984 कोलकाता मिंट ये कॉमन कैटेगरी में आता है जो नॉर्मल सिक्का है, 1984 हैदराबाद मिंट स्कैस कैटेगरी में आता है। अगर ये स्कैर्स होता, मतलब 1984 हैदराबाद मिंट होता और ऐसे क्लॉक एरर होता तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा होगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मुझे इस सिक्के का मिल सकता है 300 रुपये के आसपास, मैक्सिमम 300 रुपये के आसपास। लेकिन अगर ये अगर हैदराबाद मिंट होता, मतलब स्कैस होता, तो इसका ही मुझे 1,000 रुपये 1,200 रुपये 1,500 रुपये तक मिल सकता था। ये एक हो गया। और ये जो डाबू वाला है इसका 2 मिंट आता है 2 रुपये का, ये 1990 का, एक कोलकाता मिंट आता है और एक हैदराबाद मिंट आता है। कोलकाता मिंट कॉमन है, हैदराबाद मिंट स्केयर से। ये अगर हैदराबाद मिंट होता तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा होता। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये जो सिक्का देखिए बाई करके रखा है, ये है महाराणा प्रताप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ओपन कर लेता हूँ तो आसानी होगा। यहाँ पर अब देखिए 10 सिक्का है यहाँ पर और यहाँ पर और भी 4 पैकेट है, तो टोटल 50 सिक्के 50 सिक्के टोटल। यहाँ पर देखिए ये है महाराणा प्रताप हैदराबाद मिंट। ये सिक्का मैंने लिया था 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ करके, मतलब 80 में कुछ 90 में, तो एवरेज अगर पकड़े तो 85 रुपीज़ एक एक सिक्के का। आज की डेट में महाराणा प्रताप हैदराबाद मिंट का प्राइस है लगभग एक एक सिक्का 100 रुपये, उससे भी ऊपर 120 125 150 रुपये, कोई कोई सेलर तो 200 रुपये भी मांग रहा है। ये जो 50 सिक्का मैंने लिया है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, करेक्शन के लिए 2-3 सिक्का है लेकिन ये जो है 50 सिक्के अलग से मैंने रखा है, ये मेरे इन्वेस्टमेंट है। जब मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा और एक मेरा एक फिक्स होता है कि ये सिक्का मान लीजिए 300 में जब जाएगा तब मैं सेल कर दूंगा, जब तक 300 में नहीं जाएगा तब तक सेल में नहीं करूंगा, उससे ऊपर जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक मार्जिन मैंने रखा है कि जो सिक्का मैं बाई कर रहा हूं उसका यहां तक जाएगा तो फिर मैं सेल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ प्रूफ सेट है, ये गुड़ता गड्डी वाला प्रूफ सेट है, 2 सेट है और ये लुइस ब्रेल यूएनसी सेट और प्रूफ सेट है। आपके कलेक्शन में अगर वीर दुर्गादास वाला सिक्का है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर कीजिए, किस कंडीशन का है, आपको यूएनसी कंडीशन में है, बीयूएनसी में है या फिर सर्कुलेशन से मिला है, ये भी आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, instagram.com/nimishpage। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब भी आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।